ठीक। तो पूरे बात करें, जैसे इन चीजों को अपन पता है कहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपको लग रहा है पढ़ रहा है कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जबकि इसके अंदर बेटा अपन ने कौन सी चीज उठाई है, मेटलर्जी। किसकी चीज उठाई है, मेटलर्जी में है कि नहीं बेटा, बात करें प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल करना है, किससे करोगे, मॉन्ट्स प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन ऑफ बेटा बात करें क्या करना है, टाइटेनियम जिरकोनियम करना है, किससे करोगे, वायर आर्किल प्रोसेस, समझ पा रहे हो। एल्यूमिनियम का करना है हुप की मेथड्स, पूरे बात करें, समझ पा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी मेटल्स आएंगी, क्यूपरेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, खरपटीकरण, क्यूपरेशन मेथड। तो ये गुड़े बात कर डिफरेंट टाइप के मैटर के लिए अलग अलग यूज करते हैं। सबसे पहले गुड़े बात करें आपके यहाँ पे कुछ मैंने दे रखा है, जैसे मॉन्ट्स प्रोसेस। अच्छा गुड़े बात करें, मॉन्ट्स प्रोसेस क्या के लिए यूज करते हैं, फॉर रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल मेटल। अच्छा गुड़े बात करें, अगर मेरे पास कोई बेटा बात करें और है, मेटल को आप जब भी कहाँ से निकालते हो, अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, अर्थ की सरफेस से निकालते हो, खोदते हो, खदान करके, दीदी बात करें उससे हम मिट्टी से निकालते हैं, तो वो कभी आपको प्योर स्टेट में मिलते कि ये डली निकले उठा के ले जाओ सीधा बटोर के। हमेशा किसी न किसी बुरे बात करें पता है, दूसरे बुरे बात करें एलिमेंट के साथ किसी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म मिलेगी। तो कंडीशन बेटा बात करें उन कॉम्प्लेक्स को जिनके अंदर मेटल मिलती है उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, और क्या बोलते हैं। वैसे तो अर्थ के अंदर हर एक बुरे बात करें और अपने आप में मिनरल्स है, क्या बेटा बात करें, लेकिन वो मिनरल्स जिससे बुरे बात करें आपको चीपली प्रॉफिटेबली गुड़े बात करें पर मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए उसको अपन क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा हर एक और मिनरल्स है, लेकिन हर एक मिनरल्स और नहीं है। आपके गांव की दीदी बात करें, मिट्टी को अगर आप 1 क्विंटल मिट्टी को गुड़े बात करके साफ करो, प्यूरीफाई करो, तो कुछ ना कुछ गोल्ड मिलेगा उसमें, लेकिन वो गोल्ड गुड़े बात के पता है कि प्यूरीफिकेशन प्यूरीफिकेशन पे लग गया मुझे 1 लाख रुपए खर्च, वो गोल्ड निकला 10,000 का, क्या ये प्रॉफिटेबली काम हुआ, क्या आप निकालना चाहोगे। हर जगह दीदी बात कर, जहां भी इक्विसिस्टम प्लांट ग्रो करते हैं वहां गुड़े बात के आपको गोल्ड मिलेगा, क्योंकि इक्विसिस्टम उगता ही गोल्ड की जगह पर है, एक फिक्स है ये। जैसे अपन को पता है ना कि जहां लाइकेन ग्रो ना करे, मतलब समझ जाना भाई SO2 गैस है, अगर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो, जैसे वैसे गुड़े इक्विसिस्टम अगर कहीं पर है तो अब इतना समझ जाना कि वहां गोल्ड है सॉइल में। लेकिन ये बात अलग ही, गोल्ड कम है कि ज्यादा है, अब पता चला कि अपन 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गोल्ड मिल रहा है 20,000 रुपए का, तो काय का पर्पस का हुआ वो, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि 2 लाख का अपन इन्वेस्ट करें और गोल्ड मिल जाए 10 लाख का, ये काम का मैथ। तो अपन ने कहा गुड़े बात करें कि हर सॉइल के अंदर बेटा मिनरल्स है, उस सॉइल को जिसके अंदर मिनरल्स कॉम्प्लेक्स स्टेट मिले उसका नाम है, मैंने कहा उस गुड़े बात करें सॉइल को जिसके अंदर मेटल कॉम्प्लेक्स स्टेट में उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स मैंने कहा वो बेटा सॉइल, वो मिट्टी जिसके अंदर आपकी मेटल किसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मिनरल्स, क्या बोलते हैं। और गुड़े बात करें यही वो मिनरल्स जिससे बेटा बात करें आपको मेटल प्रॉफिटेबली निकल जाए, मतलब ऐसा बेटा बात करें मिनरल जिसमें गुड़े बात करें आपकी जो मेटल है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसको गुड़े बात करें अपन अगर एक्सट्रैक्ट करें, प्यूरिफाई करें, कंसंट्रेट करें, तो मुझे गुड़े बात के जितने मेरी लागत है उससे ज्यादा बेटा बात का आउटपुट मुझे मेटल मिल जाए, वही मिनरल्स कहलाता है। और तो और मिनरल्स कुछ अलग नहीं है, सीधी सी बात है, मिट्टी ही मिनरल्स है, मिट्टी ही और है, पर अगर मैं उससे निकाल रहा हूं मेटल तो वो और है, उससे मेटल नहीं निकाल रहा हूं तो वो मिनरल्स है, क्या बेटा बात करें, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा मिनरल्स गुड़े बात कर इसलिए है क्योंकि वो कहाँ मिलेगा, सॉइल के अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो मॉन्ट्स प्रोसेस गुड़े बात करें किसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निकिल के, किसके लिए। अच्छा गुड़े बात कर निकिल जो बेटा बात कर मिलेगी, माना हमारे पास इम्प्योर निकिल है, कौन सी निकिल है बेटा बात कर, इम्प्योर निकिल है। इम्प्योर निकिल को गुड़े बात कर आपको प्यूरिफाई करना है, तो पहले बेटा बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं मैडम, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन है, लिगेंड है, समझ पा रहे हैं। इसके साथ T1 टेम्परेचर पे गर्म किया, T1 लगभग गुड़े बात के कितना होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करो, तो बेटा बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये गुड़े बात करें पता है जुड़ जाती है, मतलब इसके साथ गर्म होकर के बनाती है वेपर, किसकी, NiCO का होल फोर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये बन चुका बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स, मतलब इम्प्योरिटी जो थी निकल की, और जब मैंने इस पूरी इम्प्योरिटी को कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर के साथ गर्म किया तो उसमें से गुड़े बात क्या पता है, इस वेपर ने कार्बन मोनोऑक्साइड को पिघला पिघला के अपने साथ कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो तो गैस है, वो गैस को गुड़े बात क्या अपन किससे, किसी कचरे के नाली से या गुड़े बात किसी कचरे के ढेर से पास करो, किसी कचरे के ढेर से या नाली से भी पास करो, याद है कुछ अपन क्या करते थे, जो सीवरेज होते हैं उनके अंदर बेटा बात करके वो क्या हो जाता है, कचरा जम जाता है, गुड़े बात कर उनकी अपन क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग किससे की थी अपन ने, हाइड्रोजन गैस गुड़े बात के एल्यूमिनियम के टुकड़े डाल करके, हाइड्रोजन गैस से खोला था ना, अब उसकी पता चला कि 100 फुट सीवेज के अंदर, 100 फुट अंदर कुछ कचरा फंसा है, अब उधर कौन जाएगा उसमें, पता थोड़ी है गुड़िया, चलो पता भी चले तो उधर फोड़ भी दो सीवेज को, लेकिन पता ही नहीं कहाँ पर है, 1,000 फुट गुड़िया बात के शहरों में डली है सीवेज, तो इनको दीदी साफ कैसे करें, तो ऐसे एल्यूमिनियम के टुकड़े को पटक दो उसमें, समझ पा रहे। तो वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है, उसको अपने बंद कर दिया पूरे चेंबर को,
और आपको पता है कि यहां से गुड़े बात कर, पता है चैम्बर 1000 फुट आगे खुला है। अब जब गैस बनेगी तो फिर गैस क्या करेगी, उसको तो निकलना है, तो वो क्या करेगी, जहां कचरे की गुड़े बात कर डंपिंग कर रखी है वहां पे प्रेशर लगाएगी, समझ पा रहे हैं, और जहां कचरा फंसा तो वहां गैस प्रेशर लगाएगी, तो पूरा का पूरा कचरा एक साथ आगे पास होगा क्योंकि गैस को निकलना है। कोई चीज अपने देखा होगा घर में, कुछ चीज जैसे इंक मिंक कभी होती थी वो याद है, अपनी रिफिल फंस जाती थी, फूंका मारते थे अपन तो इंक आगे तक बह जाती थी, तो वही तो यहाँ भी केस है कि जो कचरा जम गया उसको अपन इतनी ज्यादा गैस पैदा कर दो कि वो आपके सीवेज को क्या कर दे, ओपन कर दे, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर को पास कर रहे हैं, किससे बेटा, इम्प्योर गुड़े बात कर निकल की ओर से, तो वो केवल निकल को गुड़े बात क्या पहचानती है, निकल को गर्म करके बेटा बात कर रहे हैं, जैसे निकल से गुजरती है निकल उसके साथ जुड़ जाता है, और फिर वो बेटा बात कर रहे हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो के फॉर्म में आगे बढ़ती है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद गुड़िया बात कर हमने इसको, जब यहां से ये निकल चुकी है तो आगे दूसरा चैम्बर था, हमें पता है गुड़े बात के यहां से गैस पास हो रही थी, अगले वाले ट्यूब से जिससे हम पास कर रहे हैं उसको हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, जो नेक्स्ट टेम्परेचर दिया आपने T2 दिया, पर T2 टेम्परेचर जो है वो क्या बेटा बात ग्रेटर देन T1, अगर ये गुड़े बात के 50 है तो 70 रख लो। इस पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे बेटा कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई टेम्परेचर पे कॉम्प्लेक्स टूटता है, आपकी निकल अलग और बेटा बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगी और इसको बेटा अपन क्या कर लेंगे, बेटा बात कर बताओ, ये मेल्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, कंडेंस करो आपकी प्योर निकल, कौन से मेटल बेटा बात करें, तो ये प्योर गुड़े बात कर मेटल बनाने की मेथड है। यहाँ भी किसका यूज किया आपने, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, किसका यूज किया, तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के क्या बेटा बात के एप्लीकेशन है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का आपने यूज किस लिए किया, निकिल मेथड की प्यूरिफिकेशन के लिए, किसके लिए किया, पर इस प्रोसेस का नाम क्या है, मॉन्ट्स, कौन से प्रोसेस से बेटा बात कर, तो मॉन्ट्स प्रोसेस याद रखो, मॉन्ट्स, ये खासकर आपको जरूर याद रखना मेटलर्जी मैडम, ठीक है, मेटलर्जी है कि गायब हो गई, तो अपन ने गुड़े बात कर क्या देखा, मॉन्ट्स प्रोसेस। अच्छा दूसरी आती है बेटा बात कर क्या हमारे पास, वान अर्कल, क्या आती है, वान अर्कल, गुड़े बात करें वो करते हैं पर टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए, आगे तुम्हें मिलेगा, बस दीदी बात करें टाइटेनियम और जिरकोनियम गुड़े बात करके लिए यूज करते हैं, आगे चलो हमारे पास बेटा बात कैसे देखो, तो ये आपको आ चुका होगा, ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ का केस मैंने आपको बता ही दिया अभी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ बेटा बात कर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अच्छा गुड़े बात कर पहले लिखा है वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए, क्या के लिए, वाटर की हार्डनेस को दूर करना, अगर बताओ वाटर की गुड़े बात की पहली बात की जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, ये आपको कहां मिलेगा बताओ बेटा बात करें, 11th के गुड़े बात कर हाइड्रोजन में कहां मिलेगा, और सरफेस केमिस्ट्री में मिलता था अपन को, तो वो तो गया दीदी बात कर, वाटर की जो बेटा हार्डनेस है, अपन बोलते हैं ना हार्डनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा पानी जो गुड़े बात कर साबुन के साथ झाग नहीं देता, लेकिन डिटर्जेंट के साथ तो ये देता है, डिटर्जेंट गुड़े बात कर अपन कपड़े साफ करने में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट चाहे वो हार्ड वाटर चाहे सॉफ्ट वाटर दोनों से गंदगी को दूर कर देता है, डिटर्जेंट समझ पा रहे, पाउडर गुड़े बात कर, हाँ सर्फ, वेरी गुड, तो गुड़े बात कर हार्ड वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, साबुन के साथ सोप के साथ सोडियम गुड़े बात करें हमारे पास क्या है, सोडियम, साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सिट्रेट, कि सोडियम एसिटेट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और बेटा बात कर क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, जिसका नाम है गुड़े बात कर क्या, स्टेरेट एसिड, क्या था, पामिक एसिड, पामेट और ऑलिएट, ऑलिएट हो पामेट हो स्टेरेट हो, पर ये बात क्या, मैं पहले बोले जाता सिट्रिक एसिड, कोई बोल देते हाँ, फिर मैं बोल सोचूं कि मैं एसिटिक एसिड बोल दूं, हाँ, मैंने देखा है एसिटिक एसिड वाला साबुन, कुछ भी बनता ही नहीं फिर भी मैंने देखा है, तो अपन ने क्या बोला बेटा बात कर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है गुड़े बात करें, ड्यू टू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्सियम एंड बेटा बात करें क्या, मैग्नीशियम आयन, किसकी वजह से, कैल्सियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से, अभी कैल्सियम मैग्नीशियम क्या आयन कौन से होते हैं गुड़े बात करें, एक तो कैल्सियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक तो दीदी बात करें सल्फेट और एक क्लोराइड, तो कार्बोनेट जो होता है बाइकार्बोनेट, क्या होता है, जैसे आपने लिखा गुड़े बात कर कैल्सियम, ये था SCO3 -1 इसका +2 क्रॉस मल्टीप्लाई मारो ये है कैल्सियम बाइकार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, ये गुड़े बात कर पता है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए, इस पानी को उबाल लो दीदी बात करें इसकी हार्डनेस गायब हो जाएगी, बात समझ पा रहा हूं। अच्छा दूसरा होता है बेटा बात करें कैल्सियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, कैल्सियम गुड़िया बात करें सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, अगर पानी में दीदी इनमें से कोई भी 6 कंपाउंड में से कोई भी है मतलब रियल में किसकी वजह से बेटा आया, बाइकार्बोनेट की वजह से, अगर कैल्सियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, कैल्सियम मैग्नीशियम का बेटा बात करें क्लोराइड है, कैल्सियम मैग्नीशियम का कौन है बताओ बेटा बात करें सल्फेट कंपाउंड है, तो ये हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है, मतलब ये पानी गुड़िया बात समुद्र के पानी अपन देखे ना कई बार जैसी जगह पानी होता है कि अपन उस पानी से साबुन घिसते ही रहे लेकिन वो चिपकता और जाता है और गंदा करता जाता है कपड़े को,
और कई बार अपने बाल धोए होंगे, कभी किसी जगह अपन चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे और साबुन लगाने को तो बाल और चिपक रहे, एकदम ग्लू हो रहा है, समझ पा, जबकि और सिल्की सिल्की नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दीदी आप इस धोते क्यों, सिल्की सिल्की लेके धोते ना कि चीज, बल्कि एक एक बाल अलग अलग हो जाए, मस्त गंदगी अलग हो जाए। ये कह रहे कि और गंदगी डाल दो, तुम तुम्हारे बालों पे डाल दो, कौन है बेवकूफ, बुढ़े बात की कर। याद है क्लार्क क्लार्क मेथड पे क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, तो ये बेटा बात कर हार्डनेस की जिम्मेदार है। अच्छा, हार्डनेस मुझे दूर करना तो मैं क्या करूं, क्या करूं, पानी के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है इसके साथ में ईडीटीए डाल दूं, क्या डाल दूं। अगर बेटा कैल्शियम का सॉल्ट है, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट, चाहे क्लोराइड हो, ये दीदी याद रखना, ये परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस, उबल के दूर हो जाएगी, पन के लिए केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। गुडे बात कर, अगर वो कैल्शियम के कोई आयन है तो वहां गुडे बात कर क्या डाल दो, ईडीटीए। क्या डाल दिया आपने, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होता है, आपको अच्छे से पता है। ईडीटी कभी अकेला तो मिलेगा नहीं, ईडीटी अकेला मिलेगा क्या, नहीं, वो तो गुडे किसी के साथ आएगा, जैसे अपने देखा था बेटा बात कर, क्या माना कि पोटेशियम, ठीक है ना, ईडीटी मतलब इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, गुडे बात करें, फिर अपन ने बोल दिया क्या, फेरेट सेकंड, क्या बोल दिया, जैसे मैंने गुडे बात किया पहले पोटेशियम बोला, मैंने लिखा के टू, क्या लिया ब्रैकेट के अंदर एफ ई, गुडे बात कर, और लिया ईडीटी, क्या लिख दिया, एक ईडीटी का चार्ज कितना -4, एक एफ ई का +4, इसलिए के टू लगाया था, तो टोटल आ गया ना पोटेशियम, गुडे बात कर क्या, इथिलीन डायमिन टेट्रा एसीटेट, बेटा बात कर फेरेट सेकंड, क्योंकि नेगेटिव लगाया इसके ऊपर, इसलिए आगे अपने प्लस लगाया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन गुडे बात क्या जाती है। अब इसमें से वो क्या करेगा, अगर ईडीटीए बेटा है तो ईडीटीए गुडे बात करे क्या करेगा कि अपने साथ जोड़ेगा, जो आगे पोटेशियम लगा था उसको वो हटा देगा, पोटेशियम को, और गुडे बात के अपने साथ क्या करेगा कि इसको जोड़ लेगा, और गुडे बात के जैसे ही कैल्शियम के साथ जुड़ा, सोच पा रहे हो, सॉरी, जैसे गुडे ईडीटीए ने कैल्शियम को अपने साथ जोड़ा, वैसे तो कैल्शियम को दीदी किसी और से तो हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा, आप पॉजिटिव चार्ज हो, अगर आप ईडीटीए के साथ जुड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको फिर या तो बाइकार्बोनेट से जुड़े तो उससे हटना पड़ेगा, या तो क्लोरीन से जुड़े तो उससे हटना पड़ेगा, या तो सल्फर से जुड़े तो उससे हटना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव के पास जा रहे हो तो कब जाओगे, दूसरे नेगेटिव को छोड़ दोगे तभी तो जाओगे ना भैया, तो इसका मतलब ईडीटीए की रिएक्शन आपने क्यों कराई, ताकि गुड़िया बात करें जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड या फिर सल्फेट के फॉर्म में था, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड या फिर सल्फेट के फॉर्म में था, बस वो उस फॉर्म को छोड़ दे। क्लोर कैल्शियम हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, कैल्शियम ईडीटीए बिल्कुल नहीं है, कैल्शियम रहेगा पानी फिर भी वो हार्ड नहीं है, कैल्शियम ब्रोमाइड हार्डनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, कैल्शियम गुड़े बात करें पर क्लोरेट जिम्मेदार नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट जिम्मेदार है। अपन बोलते हैं ना गुड़े बात करें, आप इंसान बुरे नहीं हो, गुड़े बात करें आपके साथ जो आपकी संगति है उस वजह से आप अभी बुरे हो, पहले अपन गुड़े बात कुछ और काम करते थे, आज कुछ और काम करते हैं, पहले अपन गुड़े बात के मारा पीटी करते थे, आजकल अपन सब शांति से पढ़ते हैं, तो भैया आप, भाई पहले आप इतने खूंखार इंसान थे कि आपके नाम से गुड़े बात कर कोई नहीं डरता था, समझ पा रहे हो, खूंखार मतलब क्या होता है, ये होता है कि नौटंकी करोगे हर कोई जो आते जाते दो चिपकाएगा तुम्हें, बहुत डॉन तो हो नहीं भाई, बस ये कि अब कंडीशन ऐसी गुड़े बात करके अपन को पढ़ने को लगी कि यार ठीक है ना, बहुत सारी नौटंकी कर ली, इस ठिलिया पे देख लिया, उस चाय वाली ठिलिया पे गुड़े गुजार लिए, आके खूब सारे सेंक लिए, मोरे के बाहर खड़े हो लिया, गुड़े बात के बिना पढ़ के सोसो के देख के खूब सारी वेब सीरीज निपटा दी, लेकिन एक दिन दीदी बात के पता नहीं ऐसे बैठे बैठे छत पे सोच रहे थे कि इतनी वेब सीरीज निपटाई तो क्या ही निकला मेरे जीवन में, तो देखा कि मोल के सवार खड़े हो गए, 2 हफ्ते से खड़े हो रहे, कोई मिल दिल तो रहा नहीं है, टाइम और खराब हो रहा है, ठीक है, कुछ खाने आने को नहीं मिल रहा है और टाइम खराब, फिर दीदी बात कर पता है वहीं से डॉक्टर साहब निकले तो पता चला उनके साथ 3 लोग पीछे थे, लगा ऐसे बनने का मन कर रहा है, ठीक है ये सही रहेगा माहौल, 3 लोग कौन, सिक्योरिटी वाले बेगू, समझ में नहीं आ रहा, मतलब सोच भाई है, एक बढ़िया दीदी बात क्या पता है, फॉर्चुनर जैसी मस्त गाड़ी, वीआईपी कपड़े, एकदम फुल दीदी रिस्पेक्ट, बिना मांगे रिस्पेक्ट मिल रही है, तो क्या लगा, चलो दीदी बात क्या, अगर ये बंदा कर सकता तो अपन क्यों नहीं कर सकते, अपन तो इनसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं कर सकते, उस दिन से दिमाग दीदी बात का सरका, बाहर जाने ही बंद, ठीक है, दोस्त यारी सब नौटंकी बंद, सीधी किताब उठा ली, किताब उठा ली, बुढ़े बात करें 6 महीने के अंदर डॉक्टर बन गए, उसके बाद कोई कंडीशन अपने साथ पांच पीछे चल रहे, समझ पा रहे, क्योंकि अपन तो मैं इसी के लिए बने थे, समझ पा रहे हो, तो सब चीजें बिना ही मांगी मिल रही है, गाड़ी मिल गई, समझ पा रहे हो, सब कुछ फुल रिस्पेक्ट, मतलब भाई साहब मिल गया कि नहीं मिल गया, एक चीज के पीछे, मतलब कंडीशन गुड़े बात करें क्या है, लेकिन एक चीज तुम्हें याद है, तुम किताबों को टाइम तब दे पाए जब तुम दूसरी चीजों को छोड़ा, अगर आपको गुड़े बात कर किसी एक के साथ आप पहले से ही गुड़े बात कर समझ पा रहे हो, अगर आप जुड़े हुए हो, जब तुम उस चीज को नहीं छोड़ोगे, तो
दूसरी चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ जुड़ने का, जैसे अपने दिमाग में चलती रहती है, अपन उसके बारे में सोते रहे तो पढ़ाई के बारे में कहाँ से सोचेंगे। तो सीधी सी बात, उस चीज को छोड़ दो, अभी अभी उसके बारे में सोचना। तो अभी किसके बारे में सोचना है? सिर्फ किताबों के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, पढ़ने के बारे में, उठे तो भी सोचना, सोते हुए तो सोचना, समझ पर आते हुए तो सोचना, जाते हुए तो सोचना, काम हो जाएगा। यहाँ भी वही काम है। कैल्शियम मैग्नीशियम बुरे नहीं थे, कैल्शियम मैग्नीशियम की संगति बुरी थी, उस फॉर्म में कैल्शियम मैग्नीशियम पसंद नहीं आ रहे थे। पहले अपन जी नहीं पढ़ते, मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आती है, ये हमारे घर में पैदा कहां से हो गया, इनको तो भगवान ही करे हटा ले, समझ पा रही दुनिया में। फिर हम डॉक्टर बन गए, कह रहे ऐसे तो नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, बोलते क्यों नहीं है, बोलते नहीं, तुम भी थोड़ा नौटंकी करो, स्टार्ट करो, खुद ही लात मार के बाहर निकाल देंगे, चलो हो गया तुम्हारा, बहुत टाइम पास हो गया। गलत कर, सही कह रहे हैं, नहीं मजाक वाली, ठीक है, छोरियों को नहीं बोलते, छोरों को तुमने देखा ही होगा, छोरियां तो क्या होती है, सीधी सादी होती है, कुछ ना कुछ तो पढ़ती रहती है, परसेंटेज तो लाती रहती है, रट रट के, सीधी बात कर, तो लड़कों से तो पढ़ने में ज्यादा होशियार होती है। तो मम्मी पापा को लगता है हमारी छोरी तो बहुत होशियार है, अब ये नहीं कि वो दिन रात एक ही काम करती, रटती रहती बेचारी, छोरों को और सारे काम होते हैं। तो दीदी यहाँ पे कंडीशन क्या देखा? एक चीज देखी गुड़िया, कि कैल्शियम को मैंने बेटा बात कर पता है बाय करंट से हटा दिया, हार्डनेस खत्म हो गई। कैल्शियम बुरा था कि कैल्शियम का साथ बुरा था? कैल्शियम गुड़िया बात का हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है कि कैल्शियम का इनके साथ साथ जिम्मेदार है? कैल्शियम का इनके साथ होना हार्डनेस के लिए जिम्मेदार, कैल्शियम जिम्मेदार नहीं है। कैल्शियम बताओ ईडीटी के साथ है, वाटर सॉफ्ट है, बढ़िया साबुन के साथ झाग दे रहा है, कपड़े मस्त फर्स्ट क्लास साफ कर रहा है, समझ पा रहे हो? तो फिर इसका मतलब ये कैसे बता लिया बेटा, सॉफ्ट वाटर में। तो कैल्शियम मैग्नीशियम को इनसे हटाने के लिए अपन ईडीटी का यूज करते हैं, ईडीटी मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज करते हैं, ताकि बेटा बात करें क्या बन जाए, मेरे पास क्या बन जाए, सॉफ्ट वाटर का फॉर्मेशन हो जाए। अच्छा अगर बेटा बात करें पता है ये हमारे पास लेड जैसा कोई हार्ड पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो भी उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। किसको हटाने के लिए? लेड जैसे टॉक्सिक पॉइजनस मेटल को हटाने के लिए। तो गुड़े बात करें आपको ये समझ में आ गया ना, ये एक देखा गुड़े बात कर, नहीं आए कौन है बेवकूफ, चलो गुड़े बात करें। नेक्स्ट जो देखा है बेटा बात करें, देखो यहाँ लिखा है मैक आर्थर फॉरेस्ट या साइनेट प्रोसेस। अच्छा जो मैक आर्थर फॉरेस्ट या साइनेट प्रोसेस है, ये गुड़िया बात कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। किसको? सिल्वर और गोल्ड। आपके पास गुड़िया बात के जो सिल्वर है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बेटा बात के और लिखा है जिसका नाम है अर्जेंटाइट, क्या नाम है, रूबी सिल्वर है ये, कौन है मैडम, भूल गए, अरे याद कब था, समझ पा रहे हो, याद था कि भूल गई? तो अपन ने बोले बेटा रूबी सिल्वर अर्जेंटाइट Ag2s, Ag2s के फॉर्म में गुड़िया बात का सिल्वर है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया आपने? केसीएन के साथ करा दो, केसीएन के साथ कराओगे बेटा बात करें जो सिल्वर है वो गुड़िया बात के सल्फाइड के साथ छोड़ के किसके साथ निकल जाता है धीरे से, साइनाइड के साथ, सॉरी केसीएन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा गुड़िया बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCN का होल ट्वाइस। बाहर तो गुड़िया सब मेटल केवल बैलेंस के लगाया, किसके लगाया बेटा बात करें, बैलेंस के लिए, इसकी आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे फोर लगा लो, के फोर के लगाया बेटा बात कर, तो क्या निकल गया, K2S, क्या निकल गया, पोटेशियम सल्फाइड निकल गया। और गुड़िया बात कर बाकी यहाँ पे लगा दो पोटेशियम, समझ में आ रहा है? तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर Ag2S, तो दो मोल लोगे, कितने लोगे बेटा, तो दो पोटेशियम यहाँ पे यूज हो गया आपके, देखो दो मोल उठाना है ना, क्योंकि तो Ag2S, Ag2S का फॉर्मूला क्या होता है, अर्जेंटाइट, इसी को बोलते हैं गुड़िया बात करें क्या, रूबी सिल्वर, क्या बोलते हैं, रूबी सिल्वर इज अ या अर्जेंटाइट इज अ ओर ऑफ सिल्वर। जब भी कभी भी किसी भी गुड़े बात केमिकल प्रोसेस में मैं सिल्वर को यूज करूंगा, मैं इसको अर्जेंटाइट के फॉर्म में यूज करता हूँ, Ag2S। जब भी मैं एल्यूमिनियम को यूज करूंगा, किसके फॉर्म में करते हैं आप एल्यूमिनियम को, किसके फॉर्म में यूज करते हो, बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। जब भी आप आयरन को यूज करोगे, हेमेटाइट या फिर बॉक्साइट, ये फॉर्म यूज करते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड है जिनको मैं केमिकल फॉर्म में दीदी इन्हीं के साथ देता हूँ। जैसे आपने Mn को लिया था पायरोक्साइड के फॉर्म में, लिया था कि नहीं लिया था, क्रोमियम को लिया था आयरन क्रोमाइड के फॉर्म में लिया था, क्यों, फ्री मेटल के फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ओर के फॉर्म में बेटा। तो आपने गुड़िया बात के Ag2S के साथ रिएक्शन कराई KCN की, गुड़िया बात कर यहां से क्या बन गया, AgCN का काम का ये कॉम्प्लेक्स है, जो कभी सिल्वर सल्फाइड के साथ रहता था आज वो साइनाइड के साथ है। बैलेंस करने के लिए गुड़िया बात कर Ag का प्लस वन, CN का माइनस टू, एक माइनस बनाएगा तो एक माइनस वन के लिए यहाँ पर मुझे प्लस वन चाहिए, तो मैंने एक के लगा दिया। पर सर यहाँ तो अपने फोर के सीएन लिए, फोर के इसलिए लिए क्योंकि मुझे दीदी एक सल्फाइड देखो दो मेटल्स के साथ जुड़ती है, तो उसको दो गुड़े बात के बैलेंस चाहिए, तो दो बेटा बात करें आपके पोटेशियम निकल जाएंगे इसके साथ K2S, समझ पा रहे हो, वही वैसी कहानी है। अगर ऑक्सीजन ले लू K2O Na2O सोडियम ऑक्साइड कुछ ज्यादा है गुड़े बात करें, तो हमारे पास दो पोटेशियम निकल गए, दो पोटेशियम बेटा यहाँ लग गए दो मोल के लिए, तो बताओ कितने हो गए, चार के पोटेशियम। अब साइनाइड बोलो जरा दीदी, एक मोल में कितने,
तो फिर 2 मोल में कितने, 4 बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। और गुड़िया बात करें, 1 मोल बेटा एक स्लिप है, 2 मोल में 2 स्लिप है, पूरी बैलेंस हो गया। अब अभी ये दीदी बात कर, पूरी कहानी नहीं हुई, अभी तो आपने ओर से सल्फाइड से अपने सिल्वर को हटा लिया और साइनर की फॉर्म में लिया है। अब इसको क्या करना बेटा, बात करें इसको जिंक के साथ रिएक्शन करा लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप अच्छे से जानते हो कि जिंक बहुत ऊपर बैठा है, कॉपर से भी ऊपर बैठा है और सिल्वर बहुत नीचे रह गया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा बात करें, एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होती ना, ऊपर मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव, सॉरी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर और कॉपर से, बहुत ज्यादा आगे है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिंक क्या करेगा, बुढ़िया बात कर यहां से इसको हटा देगा और खुद भाई साहब जिंक के फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा जिंक, बुढ़िया बात कर वो आ जाएगा सीएल का होल। पर आपको अच्छे से पता है कि बुढ़िया बात कर जिंक की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 नहीं आती है। जिंक जो है कॉपर, ये हमेशा बेटा बात कर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं सर, हम 2 मोल उठा लिए ना हमने, तो क्या बन गया बताओ, 2 मोल में 4 साइनाइड थे, हाँ आ गए इसके, 1 मोल में 4 साइनाइड आ गए, एक जिंक था एक जिंक आ गया, बुरे बात 2 पोटेशियम थे, K2 लगा दो यहाँ, इस तरीके से आ गया। अब मैंने आगे नहीं लगाया टोटल के होल ट्वाइस सबका है, अब केवल ये पोटेशियम के 2 नंबर है, तो 2 पोटेशियम हाँ, एक जिंक हाँ, 4 कितने थे पहले 2 मोल में, 4 साइनाइड ठीक है। अब बुरे बात 2 सिल्वर थे, तो 2 सिल्वर निकल गया, क्या निकल गया, ये मिल गया बेटा आपको, क्या बताओ प्योर सिल्वर, क्या मिल गया। अब इसकी जगह बुढ़िया बात कम गोल्ड उठा लो, क्या उठा लो, तो जो बेटा मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है, ये आपके मेटलर्जी में किसको, सिल्वर और गोल्ड जैसे हाईली एक्टिव, सॉरी हाईली बुढ़िया बात कर इनएक्टिव मेटल को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हो। निकल के लिए अपन ने क्या यूज किया था, मॉड्स प्रोसेस, वहां अपन किसकी रिएक्शन कर रहे थे, कार्बन ऑक्साइड की। बुढ़िया बात कर सिल्वर गोल्ड के लिए किसके यूज कर रहे हैं, मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस का, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, जो भी मेटल का बुढ़िया बात कर ओर है उसको पहले केसिन के साथ, बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसकी, उससे ज्यादा कोई रिएक्टिव मेटल ले आओ जो मेटल उस कॉम्प्लेक्स से उस मेटल को क्या करे, डिस्प्लेस करे और खुद वहां पे जगह बना ले। मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ सिल्वर का, हुआ बिल्कुल हुआ, सिल्वर कभी प्लस वन में होते थे यहाँ पे, आज देखो फ्री बैठे अकेले 0 में आ गए। तो रिडक्शन किया कि नहीं किया, किसने किया, जिंक ने। जिनका बेटा बात का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होती है वो दूसरे को डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो ये गुड़े बात क्या आपका आ जाता है, हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल यूजेस, कुछ क्या बताया बेटा बात करें, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से क्या बताया अपने, बायोलॉजिकल यूजेस।